सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में IIPMT में। यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD एंड सेकंड कॉलम में दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ। इनको हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे। तो देखते हैं ए में क्या दिया है। ए में पूछा है कि सिनेप्सिस अलायंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है सिनेप्सिस वाला, ये क्या होता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं ये एक दूसरे के पास आकर के एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं सिनेप्सिस। और ये जो सिनेप्सिस प्रोसेस है ये होता है इन द जायगोटिन फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन जायगोटिन फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। सो इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है सेकेंड, दैट इज जायगोटिन फेज। सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन जो है ये होता है इन द G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इट इज़ प्रेजेंट इन G2 फेज ऑफ इंटरफेज, जिसमें RNA और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से। इसके बाद में एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। एंजाइम रिकॉम्बिनेज का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है रिकॉम्बिनेशन के थ्रू या क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है सेल के अंदर ये होता है पैकाइटिन फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है फिफ्थ ऑप्शन से, पैकाइटिन फेज से। लास्ट है सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। मीन्स जब ऐसी कौन सी फेज है जिसमें सेंट्रोमियर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, मीन्स सेंट्रोमियर का जो है पार्टीशन नहीं होगा, ओनली जो क्रोमोसोम है या क्रोमेटिड्स हैं ये पोल्स की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये फेज होती है लेट मेटाफेज और अर्ली एनाफेज, या हम बोल सकते हैं एनाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज के में जब मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं बट सेंट्रोमियर का सेपरेशन नहीं होता, ये स्टार्ट होता है एनाफेज फर्स्ट में। तो इसका ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है फोर्थ ऑप्शन। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से। हमें फर्स्ट में ए के साथ में मैच करना है सेकंड, तो सेकंड आ रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ थर्ड में, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा। बी में आना चाहिए थर्ड, तो थर्ड जो है वो आ रहा है बी फर्स्ट एंड थर्ड में, मीन्स सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सी में आना चाहिए फिफ्थ, फिफ्थ आ रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। कोज डी में भी क्या आ रहा है यहाँ पे फोर्थ आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ दी राइट मैच ऑफ दीज कॉलम्स।